नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में, ये बहुत ही सुंदर एयरबीएनबी है, तो मैं अब इसका आपको टूर देती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। ये है गाइस एंट्री, सो वो है मेन गेट बाहर से जो खुलता है, और फिर ये बेसमेंट है, तो यहाँ पे ये ऐसे एंट्री है, उसके बाद ये गेट है जो एक्चुअली यहाँ पर एक लॉक दे रखा है, इस लॉक से खुला था ये गेट, और ये हमारा एंट्री है। इट्स वेरी सिक्योर, सो यहाँ पे उन्होंने हमें वन टाइम एक की दी थी उस लॉक को खोलने की, उसके अंदर अगेन की मिली थी हमको इस गेट को खोलने की, सो उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री किया। सो उसके बाद ये देख सकते हैं, ये जो गेट है ये एक्चुअली बंद है, क्योंकि इसके पीछे जो है हीटिंग सिस्टम मैकेनिकल रूम है, सो ये बंद ही रहेगा। उसके बाद ये आते हैं, ये अभी हमारा सामान वामान फैला हुआ है, सो ये है यहाँ से एंट्री। सो ये जो है काइंड ऑफ लिविंग रूम है, ये यहाँ पे सोफ़ा है, छोटी सी टेबल, और ये है टेलीविज़न के, एंड देन सोफे के जस्ट बगल में ही एक टू सीटर की डिनर डाइनिंग के लिए टेबल रखी है। उसके बाद गाइज ये आ जाता है किचन, सो किचन इस तरीके से है, बहुत ही सुंदर। सो यहाँ पे ये है आपका डिश वॉशर, ये डिश वॉशर है यहाँ पे, और ये है सिंक, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया है, सोप टॉवल, और यहाँ पे जो होता ही है डस्टबिन वगैरह, एक्स्ट्रा सोप वगैरह, और ये एक छोटा सा वाटर फिल्टर है, छोटा सा पानी का फिल्टर है ये यहाँ पे, इस हैंडी मतलब, इसको आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये खाली है। एंड देन इस वाले कैबिनेट में, इस आइलैंड में यहाँ पे इन्होंने दिया है एक टोस्टर, और ये है कॉफ़ी मेकर, और ये है कैटल, एंड देन यहाँ पे कटलरीज हैं सारी, और आपके जो भी यूज़ करने के लिए, जो खाना बनाने के लिए जो भी यूज़ होता है वो दे रखा है, और इस ये वाला खाली है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे है खाना खाने के लिए प्लेट्स बोल्स, और ऊपर सारा यू नो ग्लासेस वगैरह कप, सो ये सब है। उसके बाद ये यहाँ पे जो है बड़े वाले बोल्स हैं खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं, खाने के लिए, और ये जो है डिस्पोजेबल है, ये डिस्पोजेबल वाले हैं, ये सॉल्ट है, ये आई डोंट नो क्या है, मैंने खोला नहीं है, और ये आई गेस टी लीव्स है, चाय पत्ती, हमने अभी चेक नहीं किया खोल के, सो ये सब है यहाँ पे। उसके बाद ये फ्रिज है, तो फ्रिज तो ऑफकोर्स नॉर्मल खाली फ्रिज है अभी, एंड देन यहाँ पे ये पूरा स्टोव है। सो इस एयरबीएनबी में ये चीज़ है कि अपने को लाइक अंदर ही सब कुछ मिल गया है, पुराने वाले में नहीं था। सो ये ग्रिल है, स्टोव, एंड देन यहाँ पे इन्होंने सारे किचन के लिए ग्लव्स, माइक्रोवेव ग्लव्स, सब कुछ मतलब दे रखा है, ये चॉपिंग बोर्ड, किचन टॉल और नाइफ, सो एवरीथिंग राइट। यहाँ पे कुछ बर्तन भी दिए हुए हैं खाना बनाने के लिए, एंड देन यहाँ पे कुछ मसाले कॉन्डिमेंट्स टाइप दिया हुआ है इन्होंने, बेसिक वंस, अनदर किचन टॉल। यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने हमें, पहली बात तो किचन अंदर ही है, क्योंकि पुराने एयरबीएनबी में जो था किचन जो था वो मतलब शेयर था ओनर के साथ, क्योंकि ऊपर मेन फ्लोर में ओनर थे तो किचन शेयर था, तो हम लोग मतलब उन्हीं के यूटेंसिल्स यूज़ करते थे जो वो लोग भी यूज़ करते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे अपने भी यूटेंसिल्स थे, बट वो थोड़ा टाइमिंग्स क्लैश करता है कि लाइक वी वुड वेट फॉर देम टू फिनिश एंड देन हम अपना स्टार्ट करते थे, एंड देन ये सब रहता ही है, तो यहाँ पे सब कुछ है ऑलमोस्ट, इवन बेसिक चीज़ें जो चाहिए मसाले वगैरह वो भी दे रखा है, तो ये अच्छा है। और अब चलते हैं यहाँ पे जो दूसरा एरिया है, जहाँ पे एक बेडरूम है, क्लोजेट है, और वॉशिंग एरिया है। सो ये रहा यहाँ से, ये जो है आपका, ये है वॉशिंग एरिया, जहाँ पे यू नो वॉशर ड्रायर और इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, यहाँ पे ऊपर कुछ सप्लाइज भी रखी हैं कपड़े धोने के लिए, इसको कर देते हैं बंद। देन ये वॉशरूम है, यहाँ पे वॉशरूम में भी इन्होंने मतलब सब कुछ दे रखा है, सोप, हैंड वॉश, और यहाँ पे अपना नहाने का सिस्टम है सारा। एंड देन ये आता है बेडरूम, सो जो बेडरूम है ये बेड है, छोटा ही है बेडरूम वैसे, ऐसे करके जाएंगे, सो ये यहाँ पे विंडो है, देन दिस इज़ बेसमेंट,
उसके बाद इसके अंदर ही, रूम के अंदर ही एक और एक छोटा सा क्लोजेट एरिया है जहाँ पे सो यहाँ पे ये लॉन्ड्री बकेट है, इन्होंने यहाँ टाल्स रखे हैं और ऊपर सामान रखने के लिए हैंगर्स, एक्स्ट्रा पिलो, यहाँ पे आपकी सेफ भी दे रखी है एक, और आयरन के लिए, सो एवरीथिंग, मतलब आपको हमारा लाइक यहाँ पे 5 डेज का स्टे है, बट आई थिंक हम लोग जल्दी ही इसको वैकेट कर लेंगे बिकॉज वी फाउंड आवर रेंटेड अपार्टमेंट. सो बट ये अच्छा है यहाँ पे, मतलब आपको मतलब अगर आप न्यू हैं, डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहे हैं, दिस इज़ नियर बाई एयरपोर्ट, सो अगर आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहे हैं एंड इफ़ यू हैव नथिंग, लाइक कोई यूटेंसिल्स नहीं है, कुछ खाना बनाने को नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई थिंक आप मतलब बेसिक चीज़ें यहाँ पास से ला के बना सकते हैं, क्योंकि यूटेंसिल्स यहाँ पे है ही, गैस, कुकिंग, एवरीथिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं. सो इट्स गुड, थिंक लेट्स सी हाउ कैसे अपने डेज जाते हैं यहाँ पे. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन, सो आई सी यू लेटर, बाय बाय. Thank you.